दोस्तों इंडस रिवर से रिलेटेड एक बार इस सवाल पे नजर डालिए। सवाल ये है कि इंडस रिवर यानी सिंधु नदी इनमें से कौन से देश में नहीं बहती है। आइए इसी के साथ इंडस रिवर सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं। इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है बोकारचू ग्लेशियर से जो तिब्बत के कैलाश माउंटेन रेंज में मानसरोवर लेक के पास है। उसके बाद ये नदी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और फिर इंडिया में डेमचौक से एंटर करके लद्दाख में बहती है। उसके बाद ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में बहने के बाद यह नदी जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। इंडस की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है जिसमें 709 किलोमीटर का रास्ता यह नदी इंडिया में तय करती है। इंडस की इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है श्योक नदी जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, फिर गिलगित, काबुल और गोमाल। वहीं इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जंस्कार और पंजनाड़ नदियां जिसमें आती है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये पांचों नदियां इंडस को पाकिस्तान के मिठानकोट में जाके मिलती है।